कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए जम्मू कश्मीर प्रशासन सतर्क हो गया है और सार्वजनिक जगहों को बंद भी करवा रही है। सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए शुक्रवार को प्रशासन ने बावे वाली माता मंदिर के पास स्थित बाजार को भी बंद करवाया ताकि किसी भी तरह की भीड़ इकट्ठा ना हो सके और वायरस को फैलने से रोका जा सके। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन पूरे शहर भर में पब्लिक अनाउंसमेंट कर आम लोगों को कुछ दिनों के लिए घर पर ही रहने की सलाह दे रही है। इसी संबंध में प्रशासनिक अधिकारी का कहना था कि हम सख्ती नहीं कर रहे, अभी हम रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं लोगों से, लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि हमें किसी को पनिशमेंट करनी पड़ी है। फिर ये बात है कि पहले हमने रखी थी एक रेगुलेटरी मैनर में, खाली कुछ लिमिटेड प्लेसेस को ही हमने रोकथाम रखी थी ताकि लोगों में जो गैदरिंग अवॉइड किए जाए। लेकिन हम देखा इसके चलते कुछ शॉप जैसे पर्टिकुलर एरिया से शॉपिंग मॉल हो गए या जनरल शॉप जहाँ लोग कपड़ा खरीदते हैं या छोटी मोटी डे टू डे यूज होने आइटम खरीदते हैं जो इतनी मैंडेटरी नहीं है, यानी इसको हम दो चार दिन के बाद भी परचेज कर सकते हैं। लेकिन लोगों में इतना है, मतलब केयरलेस इतनी सामने आई कि जो हम देख रहे हैं, आप देखिए 144 लगी है, इसमें चार से ज़्यादा बंदे नहीं होती, उसके बावजूद देखें अभी कितना मोर देन 200 पीपल एक पर्टिकुलर पैच में खड़ा है। दैट मीन्स लोगों में इसकी अवेयरनेस होने के बावजूद भी लोगों में क्या एक केयरलेस एटीट्यूड है, लोग इसमें कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। दैट से थोड़ा सा हमें इसमें फोर्सफुल दुकानों की बात करूँगा सर, तो कौन कौन सी छोड़ करें, बाकी हम सबको बंद करवा रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात बिल्कुल बंद करवा रहे हैं सर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जी हाँ बिल्कुल सर। हमारा वो सारे मेजर्स जिनसे लोगों की गैदरिंग हो रही है उन सबको हम हटा रहे हैं, बेसिक पर्पज़ है कि गैदरिंग को दूर करा रहे हैं। दैट्स ऑल।